ये हमारी मजबूरी है, जरूरत नहीं है, हमारी मजबूरी है और उसका फायदा उठा रही है गवर्नमेंट, इसकी जिम्मेवारी है। हमारे जो प्रेम सागर सुपरवाइजर है, हाँ, वो हमें बोले वार्ड नंबर 19 में हम मलवा उठा रहे थे, तो जई का फोन आया उनके पास में, हाँ, के मलवा छुड़वाओ और लैन खुलवाओ। 13 नंबर वार्ड के पीछे जो लैन ब्लॉक थी वो भी इसी तरह है, ऊपर वो उससे छोटी है, हाँ, वो उसको क्या कहते हैं, उसको खोलने के लिए हम वहाँ पे चले गए, वो लैन खोल दी हमने। जिस टाइम मैं यहाँ पे आया तो मैंने ऋषिपाल को बोला आप उस्ताद चले गए, तो उन्होंने हाथ उठाया, हाथ में जिस टाइम कूड़ा पड़ा है इन्होंने हाथ में कूड़ा उठाया और वो मौके वहीं ऐसे लेट गए, गिर गए एकदम, उनके यहाँ पे चोट आई। तो मैंने सोचा उनका पैर फिसल गया, उस टाइम वहाँ पे कीचड़ थी, तो जो विसन नाम का लड़का था तो मतलब वो एकदम घबरा गया, मैं भी घबरा गया, मैंने आवाज वगैरह लगाई, तो मैं यहाँ पे बैठ के, मैंने कपड़े चेंज कर रखे थे तो मैं यहाँ पे बैठ के इस पे सीढ़ी पे पैर रखा मैंने ये पकड़ के, तो मतलब मैं अंदर जाने के लिए कोशिश करी मैंने, फिर मैंने सोचा वो मैंने की फिर ऊपर तेरे को कौन खींचेगा, इतने में मेरे को गैस चढ़ गई, तो मेरे को गैस जैसे चढ़ी तो मैंने अपनी हिम्मत सी करके रस्सा बांधा हुआ था, तो रस्सा बांध के सर मैं बाहर आ गया, तो यहाँ पे लेट गया मैं, फिर नहीं मेरे को पता मैं कहाँ हूँ। ये तो एक कंपाउंड में हुआ है हॉस्पिटल के, कहीं और होता तो ये मौतें चार थी साहब। ये इस तरह की मौतें सरकार की लापरवाही की वजह से हो रही हैं, जब तक सरकार पूरे सफाई के सिस्टम को मशीनीकरण नहीं करती तब तक इसके इन हत्याओं के ऊपर कोई रोक नहीं लगाई जा सकती और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी की जानी चाहिए जिनके द्वारा ये गटर में उतारे जाते हैं लोग। दूसरा उनको कंपनसेशन देकर चुप कराने की बात की जाती है लेकिन कंपनसेशन भी किसी को नहीं मिलता है। जो ठेकेदार लोग हैं वो माँ बहन बेटियों से हमारे चार चार जनों के काम करवाते हैं। अगर से वो मना करती है तो 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर उसका ये ट्रांसफर कर देती है। वहाँ है मजबूरी, ये लोग बाग क्या करते हैं मजबूरी का फायदा उठा के, अगर से मैं आवाज़ उठाऊँ तो मेरी जगह दूसरा बेचारा मजबूर आदमी आ जाता है कि मैं ये काम कर लूँगा। वर्ड सेइंग सीरियस इज नो यूज एट ऑल, सीरियसनेस दे हैव टू शो इन एक्शंस। आई हैव नॉट सीन एनी एक्शन आफ्टर द फर्स्ट डेथ हैपेंड विद इन दिस 10 days, ऑलमोस्ट लाइक ए मंथ। सो एवरी टाइम इट इज हैपनिंग वी आर रिपोर्टिंग टू देम, they will go and again the same things happen and the second death happens, then second death again we report back and they will say the same words, we will take all actions and third death comes. So like the incident by incident, one incident 4 people died, another incident 3 people died. So they have to say if they are serious they have to issue the notice, right. So I can say that any death happens here that the chief minister must take the whole responsibility and the prime minister must answer for all the deaths happening in the country. You can't say that it is not mine, this is not, no, this is not jurisdiction problem. Wo mukhyamantri ne batana, he must announce, pehle announce karo kal se kaise saaf karenge, declare karo, bilkul bharosa do, koi nahi marenge।